कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। अभी आपको मेरे पीछे जो झांकी दिख रहा है, ये झांकी को मैंने खुद से सजाया है और आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि ये झांकी मैंने कैसे सजाया है। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहले पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, झांकी को सजाने के लिए मैंने इस जगह का चुनाव किया है जो कि मेरे हॉल के एकदम बीचों बीच सेंटर वाला भाग है, यहीं पर मैं झांकी को सजाऊंगा। सबसे पहले हम पीछे की दीवार को डेकोरेट करेंगे, तो बैकग्राउंड को डेकोरेट करने के लिए मैंने अलग अलग कलर में कुछ कलरफुल साड़ियाँ ले लिया है और इसी कलरफुल साड़ी की हेल्प से हम पीछे डेकोरेट करेंगे दीवार को। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही इजी है। देखिए, हम तीन साड़ी को लेंगे और इस टाइप से देखिए लटकाना है। एक कील दीवार में ठोक लिया था और उसी में देखिए तीनों साड़ी को एक जगह इकट्ठा करके धागे से बांधकर और कील में बांध दिया था। सेंटर में तीनों साड़ी को बांधने के बाद दोनों साइड से कुछ इस प्रकार से फैला लेंगे तीनों साड़ी को और फिर यहाँ पे भी एक कील ठोक कर धागे से बांधकर इसको हैंग कर देंगे दोनों साइड से। इसके बाद जो एक्स्ट्रा साड़ी बचा है इसे भी फिर उसी टाइप से फैलाएंगे और दो दो फीट के अंतराल पर इसी टाइप से देखिए फैलाकर और एक कील ठोक देना है, छोटा वाला कील दीवार में, और धागे की हेल्प से बांध देंगे साड़ी को कील में। कुछ इस प्रकार से मैंने पूरे साड़ी को कर लिया है दोनों साइड से और देखिए हमारा बैकग्राउंड बनकर रेडी है कुछ इस प्रकार से, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये दिखने में। इसके बाद मैंने पत्ते वाले जो आर्टिफिशियल लरी आते हैं ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसी को मैंने ऊपर के साइड से इस टाइप से लगा दिया है दोनों साइड से। और सेंटर में मैंने पिछले साल एक मटका को डेकोरेट करके दिखाया था और बांसुरी भी बनाना सिखाया था, उसी बांसुरी को हम सेंटर में हैंग कर देंगे कुछ इस प्रकार से। बीच में माखन के लिए हमने कॉटन को लगाया है और इसको देखिए एकदम सेंटर के पीछे पीछे लटका देंगे और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसका वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। अब हम इस मटका के सीधे नीचे फर्श पे चौकी लगाएंगे कुछ इस प्रकार से सीढ़ी जैसा, और इसी के ऊपर हमने येलो कलर के कपड़े को इस टाइप से सेट कर लिया था सेफ्टी पिन की हेल्प से। और इसी चौकी के ऊपर हम राधा कृष्णा और लड्डू गोपाल के मूर्ति को रखेंगे। तो पीछे के साइड मैंने नवरात्रि के समय बनाया था ये बैकग्राउंड, दुर्गा मूर्ति के पीछे लगाया था इसे, उसी को मैंने पीछे लगा दिया है और उसके आगे से मैंने राधा कृष्णा का मूर्ति को रख दिया है। दोनों साइड से एक एक मैंने स्नेक प्लांट के प्लांटर को लगा दिया है और ये मैंने पिछले साल जन्माष्टमी पे झूला बनाया था उसी को मैंने यहाँ पे रखा है, इसी पे मैं लड्डू गोपाल को रखूंगा। दोनों प्लांटर के आगे मैंने राधा कृष्णा का एक मूर्ति बनाया था झूला झूलते हुए, वो रखा है एक साइड, और दूसरे साइड मैंने बाल गणेशा को झूला झूलते हुए बनाया था तो वो रखा है मूर्ति। इन दोनों मूर्ति का वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, अगर आपको सीखना हो कि ये मैंने कैसे बनाया है तो इसका वीडियो आप देख सकते हो चैनल पर जाके। सेंटर का डेकोरेशन हो चुका है, अब साइड में इधर के भाग में हम डेकोरेट करेंगे, तो यहाँ पे हम कंस कारागार लगाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो भी झांकी के लिए सामान यूज करूंगा ये सब हैंडमेड है, ये सब मैंने खुद से बनाया है, कुछ भी खरीदा हुआ नहीं है, और इन सब का वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पे। आप जन्माष्टमी डेकोरेशन आइडियाज वाले प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियो देख सकते हो कि मैंने ये सब कैसे बनाया है। तो आप ये मत सोचना कि ये सब मैंने खरीदा है, ये सब मैंने खुद से बनाया है, देख सकते हो ये कंस कारागार का झांकी है। कारागार के बगल में जो जगह बच रहा है यहाँ पे हम नंद बाबा का घर का झांकी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने झोपड़ी वगैरह बनाया है झांकी के लिए, तो इन सब का भी वीडियो मिल जाएगा जन्माष्टमी डेकोरेशन आइडियाज वाले प्लेलिस्ट में जाकर, आप ये सब नंद बाबा का घर वगैरह बनाना सीख सकते हो। उस वीडियो को देखकर बहुत ईजी है, ये सब आप बना सकते हो, सब मैंने न्यूज़पेपर से बनाया है। ये मटके मैंने वाल पुट्टी की हेल्प से या मिट्टी से भी आप बना सकते हो, उन्हीं सब से बनाया है। फ्रेंड्स, होली के समय मैंने भक्त प्रहलाद और होलिका की मूर्ति बनाना सिखाया था, तो उसी होलिका को मैंने यशोदा बना दिया है और प्रहलाद को मैंने कृष्णा बनाकर इस नंद बाबा के घर में रख दिया, और साइड में मैंने एक पेड़ भी लगा दिया है, ये भी मैंने खुद से ही बनाया है। देखिए, नंद बाबा का घर का झांकी बनकर रेडी है। बीच में जो जगह खाली दिख रहा है यहाँ पे मैंने एक आर्टिफिशियल ट्री को रखा है, ये मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था, और एक डॉल को मैंने कृष्णा जी बना दिया है डेकोरेट करके, और इसी को पेड़ पे मैंने बैठा दिया है, और इसके बाद छोटे छोटे कपड़े को मैंने पूरे पेड़ पे रख दिया है। ये सारे कपड़े गोपियों के हैं जो कि कृष्णा जी ने चुराकर कदम के पेड़ पे छिपा दिया है और वहीं से देख रहे हैं। नीचे हम पौंड बनाने के लिए ये टब लिया है, ये भी मैंने खुद से ही बनाया है, इसका वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। और गोपियाँ बनाने के लिए मैंने ऑनलाइन कुछ डॉल मंगा लिया था, इसी को इस टब में डाल दूंगा। सभी डॉल को टब में सेट करने के बाद टब में पानी भर देंगे और इसी के साथ यह झांकी बनकर रेडी है। गोपियां नीचे यमुना नदी में स्नान कर रही है और ऊपर कदम के पेड़ पर कृष्णा जी बैठे हुए हैं उनके वस्त्र चुराकर। मेरे पास दो छोटा छोटा चिड़िया था प्लास्टिक का, तो उसी को मैंने झोपड़ी के ऊपर इस टाइप से सेट कर दिया है। अब हम गौशाला बनाएंगे, तो नंद बाबा का जो घर है उसी के आगे हम ये गौशाला को लगाएंगे। इस मूर्ति को रख दिया है नंद बाबा बनाकर, और ये मैंने एक गाय बनाया था काऊ को वाल पुट्टी की हेल्प से, और चारा के लिए ये मैंने कुछ घास को रख दिया है गौशाला के अंदर।
ये पहिया मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है, इसको यहाँ पे रख दिया है। अब हम मिट्टी लेंगे और जितना फर्श दिख रहा है इन सबको हम मिट्टी से कवर कर देंगे। आप यहाँ पे बालू का भी यूज कर सकते हो, रेत का। मेरे पास मिट्टी था तो मैंने मिट्टी को रखा है, मिट्टी से ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है दिखने में, इसीलिए मैंने यहाँ पे मिट्टी को रखा है। फ्रेंड्स, हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही मिट्टी बिछा कर दिखाया है कि मैंने कैसे बिछा है ये बताने के लिए। और सेम इसी टाइप से देखिए, दोनों साइड से मैंने मिट्टी को बिछा लिया है फर्श पे। और फर्श पे मिट्टी बिछाने के बाद इसे कुछ गोल शेप में, राउंड शेप में मैंने इस टाइप से शेप दे दिया है मिट्टी को। देखिए दोनों साइड से इसी टाइप से हमने गोल गोल डिजाइन बना दिया है, देखिए कुछ इस प्रकार से। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। फ्रेंड, जो हमने नंद बाबा का घर बनाया था उसके पीछे से हमने कुछ प्लांटर्स को रख दिया है ताकि जंगल जैसा दिखे, पीछे से पेड़ पौधे दिखाई दे। और ये मैंने एक छोटा सा हट बनाया था, इसको रख दिया है। और ये मैंने एक बैलगाड़ी बनाया, ये भी मैंने न्यूज़पेपर से ही बनाया, इसको लगा दिया है। और यहाँ पे एक ट्री को लगा दिया है। इसके बाद ये मैंने वाल पुट्टी से कुआं को बनाया है, इसको भी यहाँ पे रख देंगे। और एक गोपी को पानी भरते हुए रख देंगे। दो मटका मैंने मिट्टी से बनाया था, इसको कुआं के बगल में रख देंगे। गोपी को मैंने डॉल से बनाया है और जो कुआं है इसका वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पे। ये प्लास्टिक के जो दो डॉग है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। होली के वक्त मैंने ये गुलाल रखने के लिए बनाया था, तो इसी में मैं मटका के रूप में इसका यूज करूंगा। और इसी में मैंने माखन के रूप में ये कॉटन को रख दिया है और इसको यहाँ पे रख दूंगा। ये मटका बनाने का वीडियो मिल जाएगा इसका वीडियो चैनल पे। और ये मैंने आर्टिफिशियल कुछ प्लांट खरीदा था, इसको बीच बीच में रख दिया है जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे मैं गोवर्धन पर्वत बनाऊंगा, तो नीचे मैंने एक टाइल्स का टुकड़ा लगा दिया है ईंट पे रखकर, और उस पर मैंने मिट्टी बिछा दिया है। अब जो ये गोवर्धन पर्वत का जो सेट बनाया था इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, सभी मूर्तियाँ को सेट कर देंगे। इसका भी वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा जन्माष्टमी डेकोरेशन आइडियाज वाले प्लेलिस्ट में। इन सबको मैंने वाल पुट्टी से बनाए हैं। सभी गोपी और ग्वाले का मूर्ति को हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। गाय को मैंने रख दिया है कृष्ण भगवान के आगे, और एक आर्टिफिशियल ट्री को मैंने साइड में रख दिया है। गोवर्धन पर्वत का झांकी बनकर रेडी है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। क्रिसमस के वक्त मैंने दो तीन झोपड़ी बनाना सिखाया था आपको, जीसस के जन्म का सीन दिखाया था उसमें, उन्हीं सब झोपड़ी को मैं झांकी के रूप में यहाँ पे यूज करूंगा। उन्हीं समय ये गाय वगैरह जो हमने बनाया था इन सब को रख दिया है, और चारे के रूप में घास को भी रख दिया है, और पीछे से मैंने कुछ प्लांट को रख दिया है ट्री के रूप में। फ्रेंड्स, वाल पुट्टी की हेल्प से मैंने छोटे छोटे बहुत सारे जानवर भी बनाए थे, जैसे कि भेड़, मुर्गी, उसके बाद हिरन, ये सब मैंने बनाया था। तो उन सब को भी यहाँ पे हम डेकोरेट कर देंगे, कहीं कहीं पे रख देंगे कुछ इस प्रकार से। एक मैंने पेपर की हेल्प से कोकोनट ट्री बनाया था, इसको यहाँ पे रख दिया है। और शिवरात्रि के वक्त मैंने ये छोटा सा शिवलिंग और नंदी महाराज का मूर्ति बनाना सिखाया था आपको मिट्टी से, तो उसी को मैंने यहाँ पे रख दिया है गणेश भगवान के आगे। अब हम पूतना भक्त का झांकी सजाएंगे, तो यहाँ पे मैंने एक डॉल को पूतना बनाया है, और ये एक मूर्ति को मैंने यशोदा माता बना दिया है। पूतना भक्त का झांकी का वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पे, आप देख सकते हो, बहुत ईजी मैंने डॉल को डेकोरेट करके बनाया है। अब हम बनाएंगे कालिया नाग के बद्ध का झांकी, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है जिसे मिट्टी में हला दिया है इस टाइप से, और इसके बाद जो हमने कालिया नाग बनाया था इसको यहाँ पे सेट कर दिया है बीच में, और प्लेट में पानी भर दिया है, और इसके बाद ब्लू कलर इसमें डाल दिया है। और देखिए कितना सुंदर ये पानी लग रहा है दिखने में। प्लेट के साइड साइड से ये कलरफुल स्टोन है, इसको हम लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल प्लांट है, इसको मैं साइड साइड से लगा दूंगा कुछ इस प्रकार से। दो डॉल को मैंने दोनों साइड से रख दिया है, ये मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था दोनों साइड से। और ये कालिया नाग के बद्ध का झांकी बनकर रेडी है। और अब हम वासुदेव जी को अपने सर पे कान्हा जी को लेकर यमुना नदी पार करते हुए का झांकी बनाएंगे, तो इसके लिए भी मैंने एक प्लेट लिया है और उसमें मूर्ति को रख दिया है। मूर्ति को रखने के बाद इसमें भी हमने पानी भरकर इसको कलर कर दिया है ब्लू कलर से। और इस प्लेट के साइड से भी हम कलरफुल स्टोन से डेकोरेट कर देंगे, और उसके बाद कुछ आर्टिफिशियल प्लांट को हम साइड साइड से लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। फ्रेंड्स, मेरे घर पे जन्माष्टमी कैसे मनाया जाता है अगर आपको ये देखना हो तो इसका वीडियो मैं अपने ब्लॉग वाले चैनल पे डालूंगा, तो ब्लॉग वाले चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे जन्माष्टमी का ब्लॉग आने वाला है, उस चैनल का नाम है आनंद का ब्लॉग, जहाँ पे मैं अपना फैमिली ब्लॉग डालता हूँ। और ये यमुना नदी पार करते हुए वासुदेव जी का झांकी बनकर रेडी है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम व्हाइट स्टोन लेंगे, ये स्टोन मैंने वाल पुट्टी की हेल्प से बनाया था बहुत सारा, और उसी से हम इस टाइप से रास्ता बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, बहुत ईजी है ये। फ्रेंड्स, मिट्टी के साइड साइड से मैंने चूने और गुलाल की हेल्प से आउटलाइन कर लिया था कुछ इस प्रकार से, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे रंगोली भी बना सकते हो, या आप गेंदे की लड़ी से भी आउटलाइन कर सकते हो, पर मेरे पास उतना टाइम नहीं था जिस कारण मैंने रंगोली नहीं बनाया है, बस आउटलाइन ही कर दिया है चूने और गुलाल की हेल्प से। ये भी सुंदर ही लग रहा था दिखने में।
दोनों साइड से मैंने सेम ऐसे ही आउटलाइन कर दिया था। अब हम बीच वाले पार्ट को डेकोरेट करेंगे। तो जो हमने राधा कृष्णा का मूर्ति रखा है उनके दोनों साइड से दो दिया स्टैंड हमने न्यूज़पेपर से बनाया था इसको रखा है, और एक मैंने लड्डू गोपाल बनाना सिखाया था आपको ब्लैक मार्बल की तरह, तो इनको मैंने यहाँ पे सेंटर में रखा है। ये खाटू श्याम की मूर्ति भी मैंने आपको सिखाया था बनाना, ये मैंने साइड में, और ये मीराबाई का मूर्ति मैंने वाल पुट्टी से बनाया था तो इनको भी मैंने साइड में रख दिया है। दो फ्लावर मैंने रख दिया है। सबसे नीचे मैंने झूला को रखा है और उसी पे हमने लड्डू गोपाल को बैठा दिया है और बांसुरी को हाथ में पकड़ा दिया है। इसके बाद पूजा की सारी सामग्री को रख लेंगे। फ्रेंड्स, पूरे झांकी को सजाने के बाद लास्ट में हमने मिर्ची लाइट से पूरे झांकी को डेकोरेट कर दिया था। जो हम लोग दिवाली में यूज करते हैं मिर्ची लाइट, उसी मिर्ची लाइट से हमने पूरे झांकी को डेकोरेट कर दिया था। और इसी के साथ यह झांकी सजकर रेडी है। देखिए इसका फाइनल लुक।
तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत लगाई झांकी को सजाने में। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।